कैमरा, रोलिंग, एक्शन। हेलो एवरीवन, दिस मी और आज का सेगमेंट है आज की कहानी और आज की कहानी क्या है आज की कहानी गिफ्ट से रिलेटेड है इस्लामिक uh, रिलीजन आपको पता है कि गिफ्ट जो है वो देने से और गिफ्ट लेने से जो है वो एहसास जो है उसको जरा बिल्टअप होता है और यही चीज़ जब कोई लॉन्ग टाइम के बाद भी याद रखता है ना तो बड़ी खुशी होती है एक्चुअली मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ एक ऐसे पर्सन को जो मेरे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेबल है बल्कि वो नहीं उनकी पूरी फैमिली और उनकी फैमिली से रिलेटेड हर पर्सन मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है और जी बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ समिया सदाकत की समिया सदाकत कैसी हैं आप ठीक हैं सबसे पहले तो आपको और आपकी फैमिली को मुबारक में जो आपने परफॉर्म किया उम्र उसके लिए बहुत 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 मुबारक हो ये आपने परफॉर्म नहीं किया बल्कि आपको चुना गया परफॉर्मेंस के लिए और यू आर लकी आपकी फैमिली लकी है आप सब लकी हैं अल्लाह ताला आप लोगों के कारोबार में खुशियों में और आप लोगों की सेहत में बरकत अता फरमाए इनशाला ज़रूर और आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा था वो है गिफ्ट से रिलेटेड और जी बिल्कुल सनी सदाकत जो इतना लॉन्गर uh, डिस्टेंस जो है उसको क्रॉस किया और उसके बाद भी वहाँ जाकर उन्होंने मुझे याद रखा और याद रखने के बाद वापस आकर भी मुझे याद रखा और गिफ्ट्स जो हैं वो दिए तो मुझे मतलब मुझसे रहा नहीं गया एक्चुअली उसका परफॉर्मेंस जो गिफ्ट प्रेजेंट प्रेजेंटेबल चीज़ थी ना वो आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे बहुत ही जो है वो अच्छा लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आए चलें देखते हैं पहले कि उन्होंने जो मुझे गिफ्ट दिए उनकी पैकिंग कैसी है मुझे वो बहुत ही एलिगेंट और डिसेंट जो है वो लगी आए चलें देखते हैं कैसी है? सबसे पहले तो मैं ये देखें सबसे जो मुझे चीज़ फैसिनेट करती है वो सबसे बहुत ही खास होती है वो ये होती है जो रिस्पेक्टेडल मुझे नाम से जो है वो यहाँ पे बुलाया जाता है सर मकबूल अटाला और ये बहुत ही जो है वो मेरे लिए ख़ास होता है तो ये है तबरक और इस तबरक में हम लोग मैं आपके सामने इसको जो है वो ओपन करता हूँ इसको तो मैं संभाल के रखूँगा समिया ये मैं संभाल के रखूँगा ठीक है इसको मैं साइड पर रखता हूँ और ये जनाब अच्छा गिफ्ट देने का जो तरीका होता है वो सिंपल भी होता है और ख़ास भी होता है ये मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया तो ये जनाब माशाला से तबरक है और तबरक को भी मैं आपके सामने ओपन करता हूँ ये जनाब मैंने ओपन किया इसमें सबसे पहले तो ये है आबे जमजम और समिया ने मुझे बताया कि उन्होंने ख़ालस अंजम जो है वो ख़ुद हैंड कैरी किया हालांकि आपको पता है कोरोना और ये लॉकडाउन के बाद काफ़ी जो है वो सख्ती हो गई थी और ये साथ माशा ये खजूर है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए जो है इसे भी मुबारक करे और आप लोगों ने इसमें मुझे पार्टिसिपेट किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एवर लाइक आई ब्लैक तो ये जनाब खूबसूरत सी तस्वी है ब्लैक कलर में माशाल्लाह बहुत मुझे पसंद आई थैंक यू वंस अगेन समिया यू फायज़ा एंड आपके मामा बाबा भाई सब माशाल्लाह आप लोग वहाँ गए और आप लोगों ने वहाँ पे खूब जो है वो नेमतें बटोरी तो ये तस्वीर थी और ये जनाब ये कैप है ये तो मैं ज़रूर कैरी करूँगा और ये जनाब ये कैप थैंक यू वंस अगेन और इसके साथ ये है एक मिनट ओहो इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको ये जनाब जाए माज है और जाए माज जो है वो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और इबादत के लिए बहुत ही बेहतरीन जाए है थैंक यू वंस अगेन जब इस पर इबादत की जाएगी ऑब्वियसली इसका जो इस सवाब होता है और इसका जो अजर होता है वो उसका देने वाला पर्सन जो होता है ना वो भी उसका पूरा हकदार होता है तो इन आपको अल्लाह ताला इसका जो अजर है वो उस टाइम तक जारी रखेगा जब तक हम लोग इस पर इबादत कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपको भी इसकी जो है वो ढेर और ढेर जो है वो आ, क्या कहते हैं उससे सादत दे मौका दे और ये जनाब दूसरा मैं आपके सामने अब आप ओपन कर रहा हूँ जी जनाब और ये है एक और गिफ्ट इसको भी मैं ओपन करता हूँ ब्लैक एंड गोल्ड कम्बिनेशन अच्छा लगा मुझे इसको यहाँ से मैं ओपन करता हूँ रिबन ने ये मैंने ओपन कर दिया यहाँ से तो जनाब अरब का एक ख़ास गिफ्ट है जो मुझे नज़र आ रहा है मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ ये है ट्रेडिशनल अरेबिक थॉमस और ये है जनाब गहवा फिनजान और इसके साथ मैं इसको बॉक्स जरा साइड पे कर देता हूँ ये है गहवा बुन और हेल आपको इसका नज़र आ रहा होगा मैं इसको भी जरा अनपैक करता हूँ इसके लिए थोड़ा टेप है ये जनाब मैंने इसको कर दिया अनपैक वाव बहुत ही नफीस और खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह थैंक यू थैंक्स थैंक और ये है फिन गावे के लिए और इसके साथ ही ये है जनाब थर्मस बाहर इसका जो है वो शेप मुझे शो हो रही है जो ट्रेडिशनल अरेबियन, अरेबियन ट्रेडिशनल जो इनका होता है शेप का तो मैं अब इसको ओपन करता हूँ ये है माशा से जरा अच्छा मैं खुद कर रहा हूँ और खुद ही को मैं बोल रहा हूँ ध्यान से जरा अच्छा जी ये इसका कैप है और ये थर्मस है सही बहुत ही बहुत ही फाइन क्वालिटी और खूबसूरत ये जनाब थर्मस बहुत ही नफीस है माशाल्लाह बहुत 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 प्यारी है और ये है जनाब इनका ट्रेडिशनल गावा ये बुन और हेल होती है उसके साथ ये बनता है ये इसमें बन के डलता है और उसके बाद फिर इसके अंदर हम लोग इसको जो है वो इंजॉय करते हैं उसके साथ फिर ये खजूर होती है ये बिल्कुल एक अरेबियन ट्रेडिशन जो होता है ना उसको याद करवाया आपने मुझे इसके लिए वंस अगेन समिया आपको और आपकी फैमिली को थैंक्स 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 बंडल ऑफ थैंक्स जी समिया एंड समियाज़ फैमिली आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एक खूबसूरत एहसास और इस गिफ्ट के लिए और मुझे बहुत 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 Uh, मतलब पसंद आया और ख़ास तौर पे जिसने ये सिलेक्ट किया उसने बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइन जो है वो मतलब पसंद किया और मुझे बहुत खुशी हुई और उसके बाद सबसे ज़्यादा खुशी तबरक की जो आप लोगों ने मुझे याद रखा इसमें मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा सदा सलामत रखे खुशियाँ देखने नसीब करे और आने वाले वक्तों में आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे तो आज की कहानी में मैंने आज आप लोगों के सामने ये खूबसूरत सा एहसास था जो वो शेयर किया और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा और आप लोग भी मेरे साथ इस चीज़ को देख रहे होंगे इंजॉय कर रहे होंगे बहरहाल नेक्स्ट टाइम मैं तबरक तो खैर मैं अकेला ही इंजॉय करूँगा विद माई फैमिली और गहवा जो है वो भी मैं अकेले ही करूँगा लेकिन कभी किस्मत में नसीब हुआ तो आप लोगों के साथ ज़रूर इसको शेयर करूँगा अलबत्तः फ़िलहाल आप लोगों के साथ इतना शेयर किया तो मुझे इजाज़त दें इन फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए असल ಕ್ಯಾಮರಾ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್